हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक फॉर रियल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा आप सबके लिए कुछ यूनिक सी रेसिपी लेके आती हूँ, तो आज मैं लेके आई हूँ फेमस मटका पिज्ज़ा रेसिपी। सो गाइज, लेट्स गेट फॉर द रेसिपी। ये देखिए कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। तो इसके लिए मैंने दो क्ले पॉट ले लिया है। ये देखिए, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। मैंने इसे अच्छी तरीके से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि बहुत ही डस्ट था इसके अंदर। साफ़ करने के बाद ये देखिए बिल्कुल भी डस्ट नहीं आ रहा है। आपको भी इसी तरीके से अच्छे से साफ़ करना है। और इसके बाद मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, एक कैप्सिकम, एक टमाटर और 250 ग्राम पनीर। इसे मैंने अच्छी तरीके से काट लिया है, आप भी इसी तरीके से काट लें। इसके साथ ही मैंने लिया है दो पिज्जा बेस। तो अगर आप ये लेना ना चाहे तो इसकी जगह पे आप ब्रेड भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने लिया है ओरिगेनो पिज्जा मिक्स और पास्ता पिज़्ज़ा सॉस मैंने लिया है। अब हम एक पैन हीट कर लेंगे। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हीट हो चुका है। फ्लेम हमें लो रखना है और उसके ऊपर हमें पिज़्ज़ा बेस रख देना है। और ये देखिए, हल्के हल्के इसे दबाते रहना है। इसे आपको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं गरम करना है, बस हल्का सा ही इसे हम गरम करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दोनों साइड से हम इसे सेक लेंगे। अगर आपने बेस की जगह ब्रेड लिया है तो उसे भी आप इसी तरीके से सेक लें। ब्रेड को भी आप ज़्यादा नहीं सेकेंगे, नहीं तो वो कड़क हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाएगा, अब हम इसमें डाल देंगे ये पनीर। पनीर को हम 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से हम इस तरीके से पनीर को सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए पनीर तो हम पनीर साइड करके उसमें हम ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। दोनों ही हमारा साथ साथ ही सिक जाएगा। और जब तक हमारा पनीर और प्याज सिक के रेडी होता है, तब तक हम ये बेस को हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ही कटिंग करना है। अगर आपने ब्रेड भी लिया है तो ब्रेड को भी सेकने के बाद आप इसी तरीके से कटिंग कर लें। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पिंक हो गया है अनियन हमारा। अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो और ये कैप्सिकम। वापस से हम इसे चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इसी तरीके से इसे आप बीच बीच में चलाते रहे ताकि ये इवनली सॉटे हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे पिज्जा सॉस। ये मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला डाइस चीज। आप इसे भी चला ले। ये देखिए, जैसे जैसे ये चीज़ मेल्ट होगा, मैं आपको थोड़ा पास लाके इसे दिखा रही हूँ। ये देखिए, चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून
पिज़्ज़ा ओरिगैनो, 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा मिक्स, हर्ब्स, और अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। इन सबको डालने के बाद, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, अब गैस मैं ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सिंग बोल के अंदर, जहाँ हमारा पिज़्ज़ा बेस भी है, और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे इस मटके में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो क्ले पॉट लिया है, जिनमें से मैं एक को माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ और दूसरे को मैं डायरेक्ट कुकर में बनाने वाली हूँ। तो अगर आप कुकर में बना रही हैं तो आप 5 मिनट के लिए कुकर को पहले ही ऑन करके और ढक्कन बंद करके उसको थोड़ी देर के लिए प्री हीट होने के लिए रख दें। ये देखिए, अब मैं इसे इस मटके में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें दोनों मटके को फिल कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा डाइस चीज़। बहुत सारा डाइस चीज़ डालने के बाद मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ ये वाला ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। अब मैं इसके ऊपर कर लूँगी टॉपिंग्स। टॉपिंग्स के लिए आपको आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, कैप्सिकम, टोमेटो, ऑलिव्स, उसके साथ आप इसकी टॉपिंग्स कर लें। ये देखिए, इस तरीके से हम कर लेंगे। कितना बढ़िया दिख रहा है ना। अब मैं एक को डालूंगी माइक्रोवेव के अंदर और दूसरे को डालूंगी कुकर के अंदर। तो रेसिपी थोड़ी लंबी हो गई है, पर बने रहे। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ओरिगैनो। अब मैं इसे प्लेस करने जा रही हूँ माइक्रोवेव के अंदर। टेम्परेचर और टाइमिंग मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगी। चलते हैं अब, जब तक ये रेडी होता है, दूसरे वाले की ओर। ये देखिए, कुकर हमारा प्री हीट हो चुका था। अब इसके अंदर हम एक स्टैंड प्लेस करेंगे इस तरीके का, और इसके ऊपर ये मटका डाल देंगे और कुकर बंद कर देंगे। आप विसल निकाल के रखें। ये देखिए, माइक्रोवेव वाला हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, कितना बढ़िया तरीके से हमारा चीज़ मेल्ट हुआ है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। ये देखिए, अब मैं आपको कुकर में बने हुए पिज़्ज़ा की ओर ले जाती हूँ। ये देखिए, कितना बढ़िया मेल्ट हो रहा है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और गैस पे भी आपको कितने मिनट के लिए इसे कुक करना है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी। और ये देखिए, इस पे मैंने ओरिगैनो, पिज़्ज़ा मिक्स और ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल दिया है। इस तरीके से हमारा मटका पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुका है। तो आप सब भी अपने अपने घरों पे बनाइए और बताइए कि आपका मटका पिज़्ज़ा कैसा बनके रेडी हुआ है। So guys, please do like, subscribe, share, comments with your friends and family. And don't forget to press the bell icon to get our more new videos on this channel. So, tab tak ke liye, bye bye. Thanks.